नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वान में कई विभागों के कर्मचारियों ने जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन को जिलाधिकारी को सौंपा। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। लगातार अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वान में संघर्ष कर रहे जनपद के कई विभागों के कर्मचारियों का आखिर सब्र का बांध टूट गया। आज सुबह जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर कई विभागों के कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाई, जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। क्या क्या मांगे थी इन कर्मचारियों की, यह आप खुद ही सुन लीजिए। इन कर्मचारियों से तो सुना आपने, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इनका आंदोलन उग्र हो जाएगा। अभी तो सिर्फ 2 दिवसीय आंदोलन है, आगे भी यह आंदोलन अनिश्चितकालीन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? ये इसमें जो है सर्वप्रथम मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, दूसरा है आउटसोर्सिंग और संविदा पे जो नियुक्तियाँ की जा रही हैं वो बंद किया जाए, तीसरा मुद्दा है हमारा मूल वेतन जो है 26,000 किया जाए, और चौथा है जो उसका चिकित्सा प्रतिभूति भत्ते का जियो शासन ने किया है उसको निरस्त किया जाए। ये हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, उसी को लेकर हम 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं, कल भी थे और आज भी हैं। आज यहाँ जो जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन प्रेषित किया जी। आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो क्या हो? मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और आगे बढ़ेंगे। अभी जो है 2 दिन की हड़ताल है, फिर आगे 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 अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। ये हमारा अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ सेंट्रल लेवल से आह्वान पे, हम राज्य कर्मचारी महासंघ प्रांतीय आह्वान पे 2 दिवसीय 8 और 9 जनवरी की हड़ताल थी, जिसमें पहली मांग जो है सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2005 के बाद हमारी नए कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया था, उसको हम दोबारा से स्टार्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन में जो भी पैसा लगता है वो शेयर मार्केट में लगता है और शेयर मार्केट जो होता है पूरा अधीन होता है और स्थितियों पर, कोई भी स्थिति आएगी शेयर मार्केट नीचे जाएगा, हमारी पेंशन जो है वो हो सकता है हम 0 लेके वापस लौटें। दूसरा हमारा मेन मुद्दा है आउटसोर्सिंग वाली सरकार की सोची समझी साल है कि पहले उन्होंने पेंशन व्यवस्था को बहाल उन्होंने ख़त्म किया और अब अगर नई लड़कों को नौकरी नहीं देंगे, नए लड़कों को रोजगार नहीं देंगे तो ये पुरानी पेंशन के लिए हम लोग जो आज आंदोलन करने के लिए इतने सारे युवा खड़े हैं वो युवा ही नहीं होंगे तो आंदोलन करेगा कौन। इस वजह से उन्होंने सरकारी नौकरियों पर लगाम लगाते हुए आउटसोर्सिंग से वो व्यवस्था कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग से नियुक्तियाँ करेंगे और उनको 11 महीने की सैलरी देंगे, वो भी थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग सैलरी देंगे, और सैलरी नहीं देंगे तो हम लोग पेंशन मांगने का हकदार नहीं रहेंगे। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती हैं तो क्या आगे आप आगे? अभी हमारा 2 दिवसीय हड़ताल थी, आगे चल के हम बहुत बड़े स्तर पे हम हड़ताल करेंगे और जिसका सीधी जिम्मेदारी सरकार की होगी।